हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंटर फाइनल परीक्षा 2023 जिनका होने वाला है, तो हम लोग बातचीत जिनके लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट, क्लास 12th हिंदी, यहाँ पे गद्य खंड है, तो हम लोग टॉप 10 सीरीज देख रहे हैं। तो इसमें आपको हाथ से लिखा हुआ MVVI, मोस्ट VVI, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नोट्स देखने को मिलेंगे। हिंदी में अब की बार 100 में 95 पार लाना है, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे और भी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप और ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको PDF बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके आने वाले आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसे बनाने में हमें बहुत ही मेहनत लगा है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, हिंदी से गद्यखंड भाग है बातचीत, जिनके लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। तो सबसे पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें देख रहे हैं, जो कि आपके आने वाले आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए फाइनली क्या होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में एक प्रश्न रहते हैं और चार ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। तो इसमें चार ऑप्शन का झंझट हम आपको नहीं दिए हैं, सीधे डायरेक्ट आंसर है, ओके। तो इसे पढ़ के भी आप लोग अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर एक है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो उत्तर में हो जाएगा भारतेंदु युग, ठीक है। सेकेंड में आता है, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो उत्तर में हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। अब देखिए तीसरा में है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो उत्तर में हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। चार नंबर में आता है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देगा और 1 2 3 4 ऑप्शन देंगे, सही उत्तर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। पांचवा में है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल हो जाएगा, ठीक है। छः नंबर में आता है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो हो जाएगा निबंध, ओके। सात नंबर में आता है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो उत्तर में हो जाएगा दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में। और ये सभी ऑब्जेक्टिव आपको जैसे ही फाइनल एग्जाम में मिलता है, जैसे ही आप लोग सही कर दीजिएगा, ठीक है, सभी ऑब्जेक्टिव करेक्ट है। आठ में है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे 23 जून 1844 ईस्वी को, ठीक है। अब देखिए नौ में आता है, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो उत्तर में हो जाएगा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, ओके। दस है, यहाँ पे बाल कृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? तो उत्तर में हो जाएगा 1000, ठीक है। 11 है, यहाँ पे बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ललित निबंध हो जाएगा, ठीक है। 12 है, यहाँ पे बाल कृष्ण के प्रहसन का नाम बताएं, आपको चार ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये तीनों, ठीक है। आपको ABC में आपको ये सभी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बन, ठीक है। 13 है, यहाँ पे बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा 20 जुलाई 1914 ईस्वी को, ठीक है। 14 है, यहाँ पे बेन जॉनसन ने क्या कहा था? ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी आपको ध्यान में बात रखना है। देखिए बेन जॉनसन, ब से बेन हो गया, ब से बोलने हो गया, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। बेन जॉनसन ने कहा था, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। याद करने की ट्रिक है ब से बेन और ब से बोलने, ठीक है। देखिए 15 है, यहाँ पे एडिशन का मत क्या है? तो उत्तर में हो जाएगा असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, ठीक है। देखिए अगर आपसे कुछ गलत हो जाता है लिखने के दौरान, तो आप लोग उसे इस ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे, ठीक है, एक सिर्फ ऐसे कट मार देना है, ओके, ठीक है,
ताकि आपको एग्जाम में अच्छा नंबर मिलेगा उस तरह से। देखिए 16 है यहाँ पे, शक्ति शब्द कौन लिंग है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। देखिए 17 आता है, शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है 18 है यहाँ पे, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था, तो ध्यान देंगे और जो भी उपन्यास है वो भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है तो देखिए कौन सा नहीं लिखे थे, तो अजातशत्रु, आपको ऑप्शन में देगा तो ऑप्शन में ही आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है 19 है, खाली जगह को भरे अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें खाली स्थान भी एक है, तो उत्तर हो जाएगा वाक शक्ति। ठीक है 20 है यहाँ पे, वाक शक्ति के अनेक फायदे में कौन दो हैं, तो उत्तर हो जाएगा स्पीच, वक्तृता और बातचीत। ठीक है 21 है यहाँ पे, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। 22 है यहाँ पे, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई, उत्तर हो जाएगा माता पार्वती देवी। ठीक है 23 है यहाँ पे, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे, तो उत्तर हो जाएगा महाकाव्यकार। ओके 24 है यहाँ पे, किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है, उत्तर हो जाएगा रघुवीर सहाय। ठीक है 25 आता है यहाँ पे, बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी साहित्यकार थे। ठीक है देखिए अगर आप लोग कुछ लिखते हैं तो शब्द को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि इतना लिखे फिर इतना खाली स्थान, फिर लिखे फिर खाली स्थान, तो आपको इतना पूरा नहीं अट रहा है, यहाँ पे नहीं लिखा पा रहा है, तो इसे आपको गलत नहीं करना है। ठीक है जैसे कि साहित्यकार लिखे हैं हम, तो साहित्य लिखे हैं उसके बाद कुछ इस तरह से साइन दे के आगे का कार लिखेंगे फिर थे। ठीक है इस तरह से शब्द मेंटेन भी आपको बहुत आना चाहिए, ऐसे आपका नंबर नहीं कटेगा और राइटिंग भी देखने में अच्छा लगेगा। उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन देंगे, उसमें एक ऑप्शन रहेगा उपयुक्त सभी, तो उसे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घन। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। 26 है यहाँ पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है, उत्तर में हो जाएगा एडिशन और स्टील। देखिए 27 नंबर में आता है, चंडू खाने शब्द का क्या अर्थ है। देखिए हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, गद्य खंड का पूरा वीडियो बन चुका है 1 से लेकर 13 तक, अगर आप लोग नहीं बना पाए, हिंदी नहीं पढ़ पाए हैं, तो PDF टेलीग्राम पे सेंड कर दिया गया है, वहाँ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा नोट्स है, नोट्स बनाए गए हैं वहाँ से आप लोग भी पढ़ सकते हैं, वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ भी आप लोग देख लीजिएगा। उत्तर हो जाएगा अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान। देखिए शब्दार्थ, शब्दार्थ भी से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है जितने भी आपके काव्यखंड है, गद्यखंड है, सभी शब्दार्थ आप लोग 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये देखिए शब्दार्थ भी आपको पूछेगा 1 नंबर में। 28 है, चमनिस्तान शब्द का क्या अर्थ है, ये शब्द निधि है, शब्द निधि से प्रश्न आते हैं, तो हरे भरे बागों का इलाका। ओके अब देखिए हम लोग आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। ठीक है तो देखिए बिलियन का गेस पेपर और क्वेश्चन बैंक का PDF हम सेंड कर दें टेलीग्राम पे, अगर आप लोग ज्वाइन है कि तो ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो उस सभी से यहाँ पे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न को यहाँ पे कलेक्ट करके यहाँ पे लाया गया है। ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये सब ये ऐसा वर्ड में लिखा गया है कि इसे आप लोग अपने फाइनल एग्जाम में हूबहू भी लिख देंगे, तब पर जिसके 2 नंबर का है तो 2 में 2 नंबर मिल जाएगा, बशर्ते आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, शब्द मेंटेन का जो काम है वो अच्छे होने चाहिए। देखिए प्रश्न है, दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है, तो उत्तर हो जाएगा दो हमजोली सहेलियों की बातचीत का कुछ ढंग ही आनंदित होता है, दोनों अपने दिल की बातों को एक दूसरे से बोलते हैं, यहाँ पे देखिए जिससे दोनों को खुशी का अनुभव होता है, वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको हमजोली सहेलियों की बातों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ठीक है सिर्फ सहेलियों का ही नहीं, जो आप लोग लड़के हैं बॉयज हैं, ठीक है अगर आप लोग दो फ्रेंड हैं अपने में बात करते हैं तो वो बात बहुत अच्छी होती है, दिल की बात होती है, एक दूसरे से आदान प्रदान होता है,
और बातचीत करने में बहुत ही आनंद महसूस होता है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा गया है, अपने शब्दों में आप लोग भी लिख सकते हैं। दूसरा है, अगर हमें वाक् शक्ति न होती तो क्या होता। तो ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये सभी प्रश्न एग्जाम में बहुत सारे आए हैं, बहुत बार आए हैं। तो ये MBBI प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। उत्तर में हो जाएगा, अगर हमें वाक् शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी सी प्रतीत होती, सभी लोग पशुओं की तरह चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, वाक् शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और न तो कुछ अनुभव कर पाते। तो आप लोग अपने वर्ड में, ठीक है, अपने शब्द में उत्तर लिखेंगे, आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। आपका हैंड राइटिंग अच्छा रहना चाहिए और शब्द का मेंटेन अच्छा रहना चाहिए और जो आप लिखे हैं वो समझ में आना चाहिए कि आप क्या लिखे हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 3 है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो ध्यान देंगे आप सभी, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है बातचीत करने की एक कला, यानी कि प्रविधि भी आप लोग इसे कह सकते हैं, जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। इस बातचीत की प्रविधि की पूर्ण शोभा काव्य कला, देखिए यहाँ पे शब्द को मेंटेन किया गया है, आप लोग ध्यान देंगे इस बात पे भी, प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं कि उसे सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 4 आता है यहाँ पे, बातचीत के संबंध में बीन जॉनसन और एडिशन के क्या विचार हैं। और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से MBBI प्रश्न है, आपकी फाइनल बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, बातचीत के संबंध में बीन जॉनसन और एडिशन के विचार निम्न है। ये आप लोग देख सकते हैं, बीन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है, यह सटीक बैठता है। और यहाँ पे आगे आप लोग देख सकते हैं एडिशन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका मतलब हुआ जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। ठीक है, 4 तक लघु उत्तरीय प्रश्न किए हैं, उसके आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट किए हैं, उसमें आप 5 नंबर कर दिए हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, बातचीत निबंध की क्या विशेषता है। और ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है 4 नंबर में। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये देखिए उत्तर में लिखेंगे, बातचीत निबंध की विशेषताएं निम्नलिखित है। इस निबंध बातचीत के माध्यम से विद्वान निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी ने बातचीत करने के लिए ईश्वर द्वारा दी गई वाक् शक्ति को अनमोल बताया है। ये देखिए सभी इजी इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको समझना है। और कहा है कि मनुष्य इसी शक्ति के कारण पशुओं से अलग है, बढ़कर है। बातचीत के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हृदय गोष्ठी आदि के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उत्तम तरीके से बातचीत करता हुआ उनसे आनंद ले सकता है। इस निबंध में दो विदेशी निबंधकारों का एडिशन एवं वेन जॉनसन का मत है, जिसमें एडिशन का कहना है कि जब तक मनुष्य बोलना नहीं बोलता, मतलब असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। इस निबंध के माध्यम से बताया गया है कि मनुष्य को अपने हृदय यानी कि मन पर काबू रखकर बोलना या बातचीत करनी चाहिए। यदि ऐसा हो तो वह हमेशा नवीन संसार की रचना कर सकता है, उसे कोई दुख विषाद नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक है, आगे है यहाँ पे, बातचीत मनुष्य को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने का एक जरिया भी है। बातचीत मन बहलाव का अच्छा माध्यम है। उत्तम बातचीत मनुष्य के व्यक्तित्व को विकसित करने का एक माध्यम भी है, जिसके कारण व्यक्ति लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 6 आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, अगर हम में वाक् शक्ति न होती। जरा सोचिए आप लोग कि अगर आप लोगों में वाक् शक्ति न होती तो क्या होता। बातचीत शीर्षक निबंध के आधार पर उत्तर दें, तो आपको निबंध के आधार पर उत्तर देना है। ठीक है, तो आप लोग इसका उत्तर कुछ इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बालकृष्ण भट्ट रचित निबंध बातचीत से ली गई है।
लेखक इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहता है कि बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान के रूप में ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से वाक शक्ति भी एक है। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह पूरी दुनिया पशुओं की तरह गूंगी बहरी हो जाती। ठीक है, पशु ना तो बोलते हैं और ना ही तो सुनते हैं, सिर्फ हम मनुष्य ही बोलते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कुछ कह सुन न सकने के कारण हम अपने सुख दुख को एक दूसरे से कह सुन ना पाते, हमारा पूरा जीवन जीना व्यर्थ हो जाता। साथ ही साथ हमें प्रशंसा आलोचना जैसे शक्तियों सुनने कहने का अभाव यानी कि कमी हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपने शब्द में लिख सकते हैं, और ये भी आप लोग लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। ओके, अब देखिए प्रश्न संख्या 7 है, बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखिए भी अपने शब्दों में। अगर आपको आ जाता है तो आप लोग इस तरह से सारांश लिख सकते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है, जिनका जन्म 1844 ईस्वी को तथा मृत्यु 1914 ईस्वी को हुआ था। आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं में भट्ट जी का नाम आता है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान के रूप में ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। वाक शक्ति मनुष्यों में न होती तो हम गूंगे होते, सब लोगों को कहीं कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे आवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच वक्तृता और बातचीत दोनों हैं। आगे है यहाँ पे, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही अद्भुत है। ठीक है, आगे आता है, स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, उसमें स्पीच की बातें धक्की खाती फिरती है। बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उसकी जमात यानी कि मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिशन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका मतलब यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, जब 3 हुए वह 2 की बात कोसों दूर हो गई। ठीक है, ऐसा पाया गया है कि 6 कोनों में बड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उससे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे आता है, 3 आदमियों में बातचीत का त्रिकोण बन जाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे कोई गलत हुआ कोई शब्द तो इसे हम हाइड भी कर सकते थे। ठीक है, एडिटिंग के वक्त क्या होता है कि हम हाइड भी कर सकते थे इसे, ये आपको दिखता ही नहीं। ओके, लेकिन हाइड नहीं किए क्योंकि आप लोगों से भी एग्जाम में तो गलती होगा ही ना, तो आप लोग ज़्यादा गलती नहीं कीजिएगा, सिर्फ ऐसे कट मार दीजिएगा बस। जो बातें 3 लोगों के बीच होती है वह पक्की बातें होती है। ठीक है, जब 4 आदमी हुए तब वे कुल्फी को, यहाँ पे देखिए, बिल्कुल स्थान नहीं रहता, खुले के बातें नहीं होती। ठीक है, जो अगर बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी यानी कि गौरव और संजीदगी में सनी हुई होगी। आगे देखिए, 4 से केवल अधिक लोगों की बातचीत राम नमोवल कहलाएगी। ध्यान देंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सकता है कि 4 से अधिक लोगों की बातचीत क्या कहलाती है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें राम रमोवल भी एक होगा, तो राम रमोवल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, 2 बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण, बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला सिकवा होगा, वे कभी कभी बात करते करते अंत में खोढ़े दांत निकाल लड़ने लगेगी। ठीक है, अब देखिए सबसे उत्तम प्रकार, देखिए ये मेन पॉइंट है, आप लोग भी इसको ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का यही है कि हम वह शक्ति अपने आप में पैदा कर सकें कि अपने आप बात कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए ढंग दिखाया करती है। आवाक रहकर अपने से बातचीत करने का यह साधन लोकप्रिय है, यानी कि लेखक बालकृष्ण भट्ट
कहना चाहते हैं कि सबसे उत्तम तरीका है खुद से बात करने का, ठीक है, सेल्फ स्पीच। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपने आप बड़बड़ाने लगो मैं ये हूँ वो हूँ, ठीक, ऐसा कुछ नहीं कर, जिसकी मन में अपने मन में अपने खुद से बातचीत करिए। ठीक है, वो कोई लड़का खोज रहा है, कोई लड़की खोज रही है बात करने के लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, वैसे आपका भी टाइम वेस्ट होगा और उनका भी टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए सबसे उत्तम तरीका है कि आप एक ऐसा शक्ति पैदा करें जो आप स्वयं बात कर लिया करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सप्रसंग व्याख्यात्मक प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ठीक है, उत्तर में लिखेंगे आप लोग, प्रस्तुत पंक्तियाँ बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से ली गई है। लेखक कहता है कि मनुष्य जब बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है, पर जब वह बड़ी संजीदगी से बातचीत करता है तो वह गुण है। आगे है यहाँ पे, मनुष्य के मुख रहने के कारण उसको चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है, पर वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगते हैं। जब दो आदमी साथ बातचीत करते हैं तो दोनों अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। इस खुलेपन में किसी की शिकायत, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई होती है और इससे व्यक्ति का गुण दोष प्रकट हो जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोज आने वाले हैं, जितने भी हैं गद्यखंड से काव्यखंड से सभी का यहाँ पे चैप्टर वाइज इसी तरह से वीडियो आएंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको आगे की वीडियो चाहिए या नहीं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग भी अपनी तैयारी अच्छी कीजिए, टॉपर बनिए, ठीक है, बोर्ड टॉपर बनिए, स्टेट टॉपर बनिए, अपने स्कूल टॉपर बनिए। ठीक है, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ का टॉपर बनिए। ठीक है, इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।